आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। तो कल की क्लास में हमने पिवट टेबल से रिलेटेड कुछ वीडियोज आपको देखने के लिए दिए थे, जैसे कि हमने बताया था आपको कि जब भी हम कुछ नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोई नई अच्छी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले हम आपको उसकी कुछ वीडियोज आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसको देख कर अपने आप को प्रिपेयर कर लें। वही हमने कल आपके साथ किया था। आज चलिए हम पिवट टेबल स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल में। तो पहले चीज़ को जानिए कि पिवट टेबल का यूज आखिर होता कहाँ है। देखिए, सबसे पहले हम पिवट टेबल के यूज जानने से पहले हम एक चीज़ को जानते हैं कि रिपोर्ट होता क्या है। ऑफिस के अंदर जो आप रिपोर्ट्स बनाते हैं वो रिपोर्ट्स होता क्या है, पहले चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब ऑफिस में आप रिपोर्ट बनाते हैं उसकी डेफिनेशन निकाले जाए तो वो है समरी ऑफ द डेटा। हालांकि उसमें कैलकुलेशन और भी बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, लेकिन वो मेनली होता क्या है, किसी न किसी डेटा की समरी ही होता है। किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी तरीके से डेटा की समरी होता है। तो यहाँ पे बात हो गई कि डेटा की समरी निकालने की बात होती है, पिवट टेबल के बारे में बात करते हैं। पिवट टेबल का क्या यूज है? तो बेसिकली पिवट टेबल का यूज होता है किसी भी डेटा को एनालाइज करने, समराइज करने एंड रिप्रेजेंट करने के लिए। जी हाँ, किसी भी डेटा को एनालाइज करने, समराइज करने एंड रिप्रेजेंट करने के लिए हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो पिवट टेबल को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा पिवट टेबल के बारे में जान जाइए कि पिवट टेबल आखिर है क्या। जैसे यहाँ पे देखिए टीम, यहाँ पे आपको टीम मेंबर्स दिए हुए हैं, सॉरी यहाँ पर आप देखिए आपके आपके यहाँ कुछ हेडिंग्स दिख रहा होगा। तो डेटा को समझिए, हेडिंग को समझिए। तो ये डेटा एक कॉलिंग कॉल सेंटर का डेटा है जो कि फ़ोन पे फ़ोन करके किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, फ़ोन करके किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, उसका डेटा है। जैसे टीम है, टीम मेंबर, प्रोडक्ट, सेल्स रेट, लॉगिन आवर, टाइम, ये चीज़ आपको दिख रहा है, ये चीज़ें आपको दी गई। तो एक कोई कस्टमर जो है, कोई टीम है, टीम के मेंबर्स हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी सेल्स डेट में किसी रीजन पे इतने घंटे उसने लॉगिंग किया, उसमें बातचीत उसने 6 घंटे किया, होल्ड इसने आधे घंटे के लिए किया, सेल्स जो है 22 क्वांटिटी को सेल्स किया, मतलब कि पर घंटे उसने 3.14 क्वांटिटी सेल किया, इतना रुपये की रेवेन्यू जनरेट किया, रेवेन्यू पर आवर इतना हुआ, और उसके अलावा और कॉल्स या टोटल 358 किए गए जिसमें से एक्सेलेंट, गुड, फेयर एंड पुअर कॉल्स की कैटेगरी दी गई है, और टोटल कॉल जो ऑडिट किए गए वो 111 किए गए। कस्टमर ने इतना परसेंट रेट किया है, सर्टिफाइड रेट किया है, इसमें पॉजिटिव इतने और नेगेटिव इतने। अब डेटा को समझना इसलिए क्योंकि आप इसमें रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, तो उस डेटा को समझना जरूरी है। तो डेटा को सही ढंग से समझेंगे तभी आप रिपोर्ट्स बना पाएंगे। तो यहां पे ये चीज आपका डेटा समझना होता है। हम डेटा समझ चुके हैं, उसके बाद अब बात कर रहे हैं कि पिवट लगाने से पहले एक चीज चेक कर लीजिएगा कि कोई डेटा का जो ऊपर का हेडिंग है वो हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अब वो हेडिंग ब्लैंक है तो आपका पिवट टेबल सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। सो पिवट टेबल यहाँ पे ब्लैंक नहीं होना चाहिए, सॉरी पिवट टेबल में हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, हेडिंग अकॉर्डिंग पिवट टेबल लगता है। उसके बाद अगर डेटा में कोई बिल्कुल ब्लैंक है, रो, तो फिर आपको डेटा को सिलेक्ट करके लगाना होगा, क्योंकि सिलेक्ट करके आप नहीं लगाएंगे तो एक कंट्रोल एक अकॉर्डिंग चलता है और जो ब्लैंक रो है पूरी की पूरी रो ब्लैंक है, उससे ऊपर को ही दिखा देगा। इसलिए पूरी की पूरी रो ब्लैंक है, उसको आपको एक बार देखना है। फिर मैंने इंसर्ट किया पिवट टेबल एंड यहां ओके करते हैं। अब मुझे चाहिए क्या, ये चीज भी ध्यान देने बात है कि आखिर आपको चाहिए क्या। तो मुझे चाहिए रीजन वाइज टोटल सेल्स क्वांटिटी। मैं ये देखना चाहता हूं कि किस रीजन में टोटल सेल्स कितने किए गए हैं। तो मैं यहां
जो हमारे सेल रीजन है, रीजन को उठा के मैं रो में रखता हूँ और सेल्स को उठा के मैं वैल्यू में रखता हूँ। रो में रखने पे क्या हुआ, इस तरह से आपके सामने दिख गया। और यहाँ वैल्यू में हमने क्यों रखा, ताकि इनके टोटल सम हो जाए, मतलब कि जिस पे टोटल करना है, उस पे कैलकुलेशन करना है, ऐसे को हम यहाँ वैल्यू वाले फील्ड में रखते हैं। तो यहां पे हम वैल्यू वाले फील्ड पे रखते हैं। ये आपके सामने टोटल दिख गया। अब सम है, मान लीजिए मुझे एवरेज चाहिए, मुझे काउंट चाहिए, कुछ और चाहिए, तो नीचे यहां आपको दिखेगा सम ऑफ वैल्यू के बगल में एक एरो का निशान है, उस पर क्लिक कीजिए और यहां वैल्यू फील्ड सेटिंग पे चले जाइए। वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहां पे आपका सम है, काउंट है, एवरेज है, तो हमने यहाँ पे एवरेज को सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। काउंट करना है तो काउंट कर लीजिए। तो अब अपने हिसाब से यहाँ अपनी कैलकुलेशन को चेंज कर सकते हैं। अब हमने मान लीजिए कि समरी बना लिया, तो इसमें थोड़ी सी और चेंजिंग हमें करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ आपका नेम दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं रीजन देना चाहता हूँ, मैं हेडिंग लिखना चाहता हूँ, रीजन लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेल्स है, तो यहाँ पे टोटल सेल्स का लिखना चाहता हूँ, टोटल सेल्स कर दीजिए। और यहाँ पे दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली होगा, तो मैं यहाँ न्यू दिल्ली लिख के एंटर मार देता हूँ, तो यहाँ न्यू दिल्ली आपके सामने आ गया। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे इस पर फॉर्मेटिंग करना हुआ तो देखिए फॉर्मेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो ऊपर दिख रहा है यहाँ से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ से फॉर्मेटिंग करते हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि जब आप रिफ्रेश करेंगे इसको, तो रिफ्रेश करते ही आपका वैल्यू हट जाएगा, फॉर्मेटिंग आपको हटने का चांसेस होंगे, क्योंकि जब भी क्योंकि आपने जो फॉर्मेट किया है वो पिवट का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। जब रिफ्रेश करेंगे तो पिवट अपना चेंज करेगा, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पिवट टेबल में जब आप पिवट टेबल है तो पावर बटन दिख रहा है, जैसे पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन, दो ऑप्शंस आ गए, एनालाइज एंड डिजाइन। तो यहाँ एनालाइज पे जाएंगे, नहीं एनालाइज सॉरी डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पे पिवट टेबल के स्टाइल्स आपको दिख जाएंगे, पिवट टेबल स्टाइल। तो यहाँ से अपने पिवट टेबल के स्टाइल को चूज कर सकते हो, कैसा स्टाइल चाहिए, उस तरह से पिवट टेबल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए आपके सामने स्टाइल्स है, इस तरह से स्टाइल्स ले सकते हैं। अब ये रिफ्रेश करने से नहीं हट रहा, क्योंकि ये पिवट का पार्ट है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इसमें मुझे थोड़ा सा विजुलाइजेशन देना है, चार्ट लगाना है, तो पिवट टेबल एनालाइज पे चले जाए, यहाँ आपका पिवट चार्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपके कॉलम्स हैं, जैसे मैंने कॉलम चार्ट है, जो भी चार्ट चाहिए उसको सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए, आपको यहाँ पे चार्ट आ गया। इस तरह से चार्ट आप ले सकते हैं। और जैसे जैसे आपका पिवट अपडेट होगा, आपका चार्ट भी अपडेट होते जाएगा। तो ये था पिवट टेबल का समरी। तो पिवट टेबल की जो क्लास आपकी कोर्स है वो कई पार्ट में होगी। सबसे पहले समरी होगा, उसके बाद कैलकुलेशन होगा, उसके बाद एक्सटर्नल पिवट टेबल होगा, स्लाइसर्स होंगे, पावर पिवट होंगे, पिवट टेबल रिलेशनशिप होंगे, कई भागों में पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं समरी के ऊपर, हाउ कैन क्रिएट द समरी। तो यहाँ हमारे सामने डेटा, आपके सामने जो डेटा दिख रहा है, इसी को चले लेकर चलते हैं और यहाँ हम इंसर्ट पे आते हैं, पिवट टेबल को इंसर्ट करते हैं। इस बार मुझे टीम वाइज, रीजन वाइज टोटल चाहिए। तो मान लीजिए हमने रीजन को रख दिया रो में, टीम को रखा कॉलम में और यहाँ सेल्स हमने रख दिया। हम टीम को कॉलम में क्यों रखें, क्योंकि दो पार्ट में है, तो इस तरह से देखने में तो रिपोर्ट थोड़ा अच्छा लगता है, इसे करके। या फिर मैं टीम को यहाँ रख दूँ और रीजन को ऊपर भी रख दूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा,
कॉलन में आप उसी फील्ड को रखिएगा जिसकी आइटम्स जो है लिमिटेड हो। अब जैसे कि अगर बड़ा आइटम हो, जैसे मान लीजिए मैं टीम मेंबर को रख देता हूँ, तो एक बड़ा आइटम से क्या दिक्कत हो गया, यहाँ देखिए एक नेविगेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने बोला। अब यहाँ पे एक तो हो गया, ठीक है चलिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर मेरे पास बड़ा डेटा हो, उस पर पिवट बनानी हो, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए हम यहां टीम मेंबर्स को यहां टीम के नीचे रख के इस तरह से रिपोर्ट बना लेंगे, मैं सब एडिंग कर देंगे। यहां पे एक फायदा और भी होगा, यहां पे कोलैप्स और एक्सपेंड है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका कोलैप्स हो जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा अगेन एक्सपेंड हो जाएगा, सबको एक साथ करना है। तो पिवट टेबल एनालाइज वाले टूल्स में यहां आपका ये आपका आता है कोलैप्स, ये आता है आपका एक्सपेंड, कोलैप्स एक्सपेंड। तो ये समरी ऑफ द समरी हो गया। तो कोई काफ़ी बड़ा रिपोर्ट होगा, इसमें फ़ायदा ये होगा कि किसी को भी इस तरह से इजीली आप भेज सकते हैं। ओके लेकिन अपने इस रिपोर्ट को एज ए पिवट टेबल भेजना है तब तो ठीक है, लेकिन मुझे इस रिपोर्ट को पिवट टेबल नहीं, मुझे इस रिपोर्ट को पिवट टेबल नहीं, मुझे इस रिपोर्ट को कहीं भी कॉपी पेस्ट करके भेजना है, मान लीजिए कहीं पे इसको मुझे कॉपी कर पेस्ट करके भेजना है तो कैसे भेजेंगे। अब कॉपी पेस्ट करके भेजने में इसका दिक्कत क्या है, देखिए दिक्कत ये है कि जब कॉपी पेस्ट करके आप भेजते हैं तो इसको एक जरूरी है कि आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया तो क्या हो गया, सॉरी पेस्ट जो वैल्यू करेंगे ना, पेस्ट जो वैल्यू किया। अब इसमें क्या है कि ये आइडिया लगाना मुश्किल है कि टीम कौन सा है और टीम के मेंबर्स कौन से हैं। यहाँ पे ये आइडिया मुश्किल लग रहा है कि टीम कौन सा है और टीम के मेंबर्स कौन सा है, ये थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा है। इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे, कि मुझे इसको तीन कॉलम में चाहिए, पहले कॉलम में टीम, दूसरे कॉलम में रीजन, तीसरे कॉलम में सेल्स। इसको हम यहां से राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस, और यहाँ पे आपके सामने डेटा के अंदर, डेटा नहीं भी डिस्प्ले के अंदर क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट दिखेगा, क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट, इसको सिलेक्ट कीजिए, ऐड ओके कर दीजिए। क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट में इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ डिजाइन वाले टाइप में जाएंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में टेबलेट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा आपका। अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत हुआ कि इसको कॉपी पेस्ट कहीं करके करेंगे तो यहाँ एक ब्लैंक होगा, तो पिवट में चलिए इजी है लेकिन नॉर्मल डेटा में तो इसको सिलेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ ये रिपीट हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यही रिपोर्ट लेआउट में ही आपको दिखेगा रिपीट ऑल आइटम लेबल, रिपीट ऑल आइटम लेबल, और इसको मैं सेलेक्ट करते जाऊंगा नीचे की तरफ।
आ गया। अब मैं सब टोटल जो है इसको नहीं चाहता हूँ या चाहता हूँ, तो यहाँ से हाइड हटाया जा सकता है और इसके ऊपर लाया जा सकता है। मान लीजिए हमने इसको हटा दिया तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि जब टीम चेंज हो रही है थोड़ा सा देखने में मैंने खोजना पड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन, तो यहाँ पे आप जो है ब्लैंक रो इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। हमने इसको क्लिक किया और आप यहाँ देख रहे हैं सर, किसी को लाओ, किसी को डाउट तो नहीं ना। अब मुझे हटाना है तो यहां से मैं रिमूव कर दूंगा, ये ब्लैंक भी हटाने हैं मुझे तो डू नॉट रिपीट हटा देता हूँ, रिपीटेड। अब मुझे यहाँ पे इसको मर्ज करना है, तो आप डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकते, उसे सेलेक्ट किया और डायरेक्ट मर्ज किया ऐसा नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप मर्ज नहीं कर सकते। तो क्या करें, तो मैं राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊँगा और सबसे पहला ऑप्शन लिखेगा मर्ज एंड सेंटर एंड इसको ओके कर दिया, तो आपका मर्ज हो गया। इस तरह से आप इसको मर्ज कर सकते हैं। अब दूसरा आता है कि जब मैं एक काम करता हूं टीम मेंबर्स को हटा देता हूं। अब यहां पे जैसे देखिए टीम के जो है 206 क्वांटिटी सेल किया है, अब मुझे पता करना है कि 206 क्वांटिटी है क्या, तो मुझे डेटा में जाके फिल्टर लगाना पड़ेगा, तो डेटा में जाके फिल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, डेटा में जाके कोई फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करें, तो इसके लिए हम इसी पर डबल क्लिक कर देंगे तो एक नई सीट पे देखिए आपके यहाँ खुल के आ जाए। जी हाँ, नई सीट पे खुल के आ जाए, जस्ट आपको डबल क्लिक करना है, यहां से इस तरह से खुल के आ जाए। अब यहां पे अगला क्वेश्चन ये आता है कि डबल क्लिक करते ही आपको यहाँ पे चला आया तो ठीक है ओके, लेकिन ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को डबल क्लिक करने का आदत होता है, तो हर बार डबल क्लिक करेंगे और एक नई फाइल एक नई सीट खुल जाएगी, तो कैसे करें इसको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ डेटा के ऊपर अनेबल शो डिटेल्स आएगा, इसको अनचेक कर दीजिएगा। जी हाँ, अनेबल शो डिटेल्स, इसको अनचेक कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। ऐसा करते ही इसमें जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि ये नहीं चेंज होगा, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसमें रो एंड कॉलम वैल्यू के बारे में बताया, अब बात करते हैं फिल्टर्स के बारे में। वैसे ये रिपोर्ट ओवरऑल रिपोर्ट का ओवरऑल रिपोर्ट है, जैसे मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट वन का रिपोर्ट चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट वन को उठाऊंगा और फिल्टर में रख दूंगा और यहाँ से हम इजीली अपने फिल्टर को चूज कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से जो अपना फिल्टर चूज करेंगे तो इसी तरह से मुझे रिपोर्ट दिखते चला जाए। ओके सर, हेलो, किसी को डाउट है, पीयू जी विक्की जी कोई डाउट इसमें, नहीं ठीक है सर, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही दिक्कत है पिवट टेबल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो स्लोली थोड़ा सा पढ़िए ठीक है और प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये सीट भेज दूँ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए।
जी भेज दीजिए। हाँ तो मैं व्हाट्सएप कर दूँ या मेल करूँ? हेलो, सर व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो डेटा भेज देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? यस सर। अभी जेडा पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर कल हम आगे बात करेंगे आगे के ऑप्शंस पे।